रामपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली टांग में लगने से घायल को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक युवक का गंभीर आपराधिक इतिहास है, उस पर 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस घटना की जानकारी जब हमने अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया, पुलिस भोर थाना क्षेत्र में कोयली मोड़ पर चेकिंग कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर दो युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, थोड़ी दूर पर देखा कि वो मोटरसाइकिल छोड़कर बदमाश एक भाग गया था, दूसरा मोटरसाइकिल के पास ही घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर में गोली लगी हुई थी और 12 बोर का तमंचा उसके पास था, जहाँ तलाशी पर दो कारतूस भी 12 बोर के उसकी जेब से मिले। पूछताछ करने पर इसका नाम आरिफ पुत्र साबिर और ये सैफनी थाना क्षेत्र में ललवारा गांव का रहने वाला है। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री पता करने पर इस पर करीब 25 मुकदमे हैं गंभीर धाराओं के, और जो इसका साथी बदमाश भाग गया है उसकी पुलिस ने काफ़ी तलाश की, कॉम्बिंग की, लेकिन वो हाथ नहीं आया है। इसके पास से जो मोटरसाइकिल मिली है उसका नंबर UP22AL 3883 है, जिसका पता कराया जा रहा है कि ये मोटरसाइकिल चोरी की है या इसके द्वारा खरीदी गई है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो घायल है उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, वो खतरे से बाहर है, उसके पैर में गोली लगी। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।